कुछ बदला नहीं है. एनी वेज आई लुक एज अगली एज आई एम आई थिंक सो. एनी वे क्या आपने कभी सलोन में बैठ के पकौड़े खाए हैं? आई डोंट थिंक सो. आई एम हैविंग पकौड़े. हम लोगों ने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर यहाँ पे पकौड़े ऑर्डर किए हैं, जो कि मेरा हमेशा का स्टैंडर्ड रहता है. मैं जितनी बार भी सलोन आती हूँ यहीं पे 4-5-6 घंटे के लिए इन्हीं के पास होती हूँ, और हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं इकट्ठे और पकौड़े खाते हैं. पूरा स्टाफ अभी मेरे कैमरा की स्टिक देखकर भाग गया है इधर उधर, तो मैं अभी जब वो आते हैं तो मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ, तो आपको जानने को मिलेगा कि स्टाफ ऑलरेडी मेरे बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता है, और मेरे से कितनी बार मिल चुके हैं, उनके क्या व्यू है मेरे बारे में. तो चलो उनसे पूछते हैं ना मिले. सो अभी ये हैं जो हमेशा से मेरे बालों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेरे बालों का अगर कुछ भी हुआ, उल्टे हैं पुलटे हैं टेढ़े हैं मेरे हैं, तो ये आदमी जिम्मेदार है. आपको कुछ कहना है मेरे बारे में? आप मेरे को कितना जानते हो? काफी जानते हो. क्या जानते हो? थोड़ा आगे आ जाओ यार, डर क्यों रहे हो? बोल जा रहा. तो ये मेरे फेवरेट हैं यहाँ के, जिनकी वजह से मैं इस सलोन में आती हूँ बालों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए और गपशप लगाने के लिए. और हम लोग देखे पकौड़े खा रहे हैं सब लोग यहाँ पे मिलके, बाकी लोग भी पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं. हम ये अच्छा ट्रे तो यही पड़ी है, मुझे पता नहीं था. तो एक और है यहाँ पे जो मुझे बहुत पसंद है, वो सोनिया अंदर काम कर रही है. तो हम लोगों की एक काइंड ऑफ लिटिल फैमिली है. मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो हम सारे यहाँ पे चाय पकौड़े ये सब यहाँ चल रहा होता है, जो कि मुझे लगता है किसी और सलोन में होता होगा. तो चलिए इसके बाद मैं आपको सोनिया से मिलवाती हूँ. सो हाय गाइस, दिस इज मी अगेन ममता, और ये है मेरे पास में खड़ी हुई सोनिया, जो हमारी फेवरेट है सबकी. फिलहाल मेरी है, आप सबकी हो जाएगी आज के बाद. अपने नाक से उंगलियां निकाल बाहर. पहले मुझे बोल रही थी आई बी कंफर्टेबल, और अभी देखो कैसे नाक के ऊपर मतलब हाथ रख के छुपा रही है अपने आप को, शक्ल नहीं दिखाना चाहती. देखिए गौर से देखिए इस लड़की को. तो ये है सोनिया, जो हमेशा मेरा फेशियल करती है, ब्लीच करती है, और मुझे इसके हाथ का काम बहुत पसंद है. बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी नेचर की लड़की है. सोनिया जी आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? आप मुझे कब से जानती हैं? शर्माना बंद करो और कुछ बोलो. कुछ है कहने के लिए? आप बहुत अच्छे मेरे क्लाइंट हो. अच्छा, और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ. ओके. मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है. हाँ. और आपको मैं 4-5 महीने से जानती हूँ. 4-5 महीने? आर यू श्योर? ज्यादा. एक साल हो गया. और चाय पकौड़ों के बारे में आपका क्या? मैम जब भी आती है हमें चाय पकौड़े जरूर खिलाते हैं. क्योंकि पकौड़े मैम के बड़े फेवरेट हैं. और कुछ और भी कुछ बता दे यार. जब पहली बार मिली थी, जब मैंने बोला था कि मैं कैबिन क्रू हूँ, तो लगा था फुकरी मार रही है, झूठ बोल रही है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कभी भी नहीं? नहीं. पक्की बात है? कभी मैंने एटीट्यूड दिखाया यहाँ आके? नहीं. तभी तो हम आपसे खुश रहते हैं. आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे हो. रियली? ओह माय गॉड, मैं तो फूल के मोटी हो जाऊंगी. चलो गाइस, ये थे मेरे दो लवली पीपल जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती थी, और देखिए इन्होंने मेरी कैसी शक्ल को कैसी अच्छी बना दी है. सो चलिए मिलते हैं कुछ टाइम के बाद. सो सेइंग बाय फॉर नाउ.